रहा हूं। मैंने कल परसों भी एक जगह पे एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग हर पाकिस्तानी जेब में माचिस डाल के फिर रहा है, लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेज अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेज अवे। एग्जैक्टली 5 भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर। तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा है, यहाँ पर कमर जावेद बाजवा आगे आप देखेंगे उनकी मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहे हैं। पिछले 3 साल में केवल वही सेंसिबल बंदे एक नजर आए हैं पाकिस्तान में मेजर गौरव आर्या को। साजिद तरार ने जो बात बोली आपने सुनी कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं पाकिस्तान के बहुत जल्दी, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। 18 से 24 साल के 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त सोशल मीडिया पे दमादम मस्कर अंदर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पड़ोस में पक क्या रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया आप किस नजर से देख रही है सारी सूरत हाल को, सूरत हाल ये है कि मैं आपका बॉर्डर अगर भारत चाइना अफगानिस्तान के साथ ना होता तो कोई तवज्जो ना देता। भूटान भी है, भूटान को कोई नहीं जानता, नेपाल को कोई नहीं जानता। दूसरी आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इस्लामिक एटॉमिक पावर है, आप दुनिया का एक कंसर्न है, पूरे रीजन का एक कंसर्न है कि आप अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, आप अगर सियासी क्राइसिस से गुजरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस वक्त कंसर्न आप भी, यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए इंडिया वुड लाइक, इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था ये खान साहब ने बंद करा था, इंडिया ने, इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है, ताला वही, चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है, हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी, या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो बाकी सब चीजें मत लो, ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग, बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम ले लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पर डाइसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहां पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं थिंक टैंक से, उन्होंने डिसेक करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहां पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है। एंड जनरल कमर जावेद बाजवा इज द कमांडर ऑफ एन एनिमी आर्मी एंड जनरल मनोज पांडे इज द कमांडर ऑफ द एनिमी आर्मी फॉर यू। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जनरल बाजवा है हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस, हु इज टॉकिंग लाइक अ स्टेट्समैन। बाकी ये मुझे कहना नहीं चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, बट बाकी लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे गली मोहल्ले की। अभी मैंने शहबाज गिल साहब का एक वीडियो देखा है,
कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध, यार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, आप बहुत सीनियर हो, आप मतलब यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो बिल्कुल एक जानवर के साथ इक्वेट कर रहे हैं यू नो ऑपोजिशन पर या जो रूलिंग, ऐसा नहीं है, आपको बात करें, आपके खिलाफ हो सकते हैं, पर ये गाली गलौज ज्यादात पे आना, किसी को ऐसे बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो मैंने देखा है चीमा साहब, आई विल कट इट शॉर्ट, जो मैंने देखा है, मैंने भी जो 3-4 साल से एनालाइज करा है, राइट, मुझे जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो स्टेट्समैनशिप दिखाई दी है पाकिस्तान में, दैट इज ओनली वन पर्सन, दैट इज जनरल बाजवा, और ना मैंने इस तरफ की देखी ना मैंने उस तरफ की देखी, ये सच है। बिल्कुल सही है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सप्लीमेंट करूं तारड़ साहब, बैक इन 2019 I had an opportunity जहां पर जनरल बाजवा बात कर रहे थे और वहां पे बाय द वे सारे पाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर बैठे हुए थे और मैं भी वहां बैठा हुआ था, और वहां पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, और जब से फौज ने थोड़ा इकोनॉमी पे बात करना शुरू की कि जी हमें इन चीजों को देखना है, तो तारड़ साहब मैं उस बैठक में बैठा था जो कि 4-1 घंटे की बैठक थी, जनरल बाजवा वाज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं भी उनके पीछे बैठा हुआ था। मेजर साहब दिस इज, आपने जो बात की बिल्कुल इसी तरह, एंड टू बी फ्रैंक इनफ, उस बंद कमरे में बैठ के जनरल बाजवा ने एक ही बात की, दैट वी हैव टू ओपन अप विद इंडिया, और ये मैंने खुद सुना है, मैंने सुना है। लेकिन तारड़ साहब जो मैंने आपसे सवाल करना है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को कहा, दीज आर द वर्ड्स मैं जो कह रहा हूं आपको मेजर साहब, फॉर यू एंड फॉर द अदर्स, उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों से पूछा मुझे बताएं कि भारत से कारोबार करना या ट्रेड करना इज गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये बताया गया दिस इज गुड, उन्होंने कहा देन वर्क ऑन इट, काम करें इसके ऊपर। तारड़ साहब सवाल यहाँ पे आपसे शुरू होता है, इंडिया ने तो गेज कर लिया, मामलात फिर कहां पे खराब है? अगर इंडिया बात करना चाह रहा था, जनरल बाजवा नॉर्मली हमारे कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रुकावट डाल दी, आप क्या समझते हैं इमरान खान का पॉलिटिकल एक्वमेंट काम है? उन्होंने डेलिब्रेटली पॉपुलिस्ट नारे लगाए हैं, जिस तरह के वो आजकल कह रहे हैं इंडिया पे, आए रोज एक ट्वीट दाग दी, ठीक है, RSS हिंदू आइडियोलॉजी फला 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 कर दिया, जिसकी वजह से मामलात खराब हो गए, या क्या आप ये समझते हैं तारड़ साहब के मुल्क के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ा कर दिया गया है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बार बार बलोचिस्तान अफगानिस्तान इस तरह चीजें बात करके इंटरनल नफरत इतनी फैला दी गई है कि आप अगर आज बात करना भी चाहते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है? और खास तौर पे मैं थोड़ा सवाल लंबा हो गया माजरा चाहता हूँ, मैं थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा था कि सुनने में आता है कि इमरान खान अकेले भी बात नहीं कर सकते, इमरान खान जो है वो रुकावट थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इमरान खान रुकावट थे, क्यों मामला आगे नहीं चल सके, आप इसमें जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा तारड़ साहब। देखें सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा मेजर साहब की बात से कि वाकई इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी कोई अच्छी बात आ रही है तो वो बाजवा साहब की तरफ से ही आ रही है, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, भारत के साथ रिलेशनशिप और कई स्टेटमेंट्स, बिल्कुल मैंने खुद भी उनको डाइसेक्ट किया कि बाजवा साहब इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, देयर इज नो क्वेश्चन इन योर माइंड। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ बात आना कहता हूं कि जब बाजवा साहब इज इंटरेस्टेड, व्हाट इज द हर्डल, वो हर्डल क्या है? वो हर्डल हमने पिछले सालों में जो फसल बोई थी वो कट रही है, वो फसल हमने नफरतों की बोई थी, वो हमने रिलीजन कार्ड की बोई थी, वो हमने TLP की शक्ल में बोई थी, और आज फिर हम बो रहे हैं उसको अमर बिल मारूफ के नाम से, आज फिर हम उस मजहबी कार्ड को खेल के लोगों को एक ऐसे चीज के पीछे लगा रहे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। और वही आपने बात की कि जब इन चीजों को आप सामने लेकर आते हैं तो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल बचता नहीं, क्योंकि आपने मुल्क के अंदर उनको, आप अफगानिस्तान की डायरेक्शन दे रहे होते हो उनको, आप उनको दिखाते हो, देखो जी हम, जिस तरह खान साहब ने हमेशा पहले खुद भी कहते थे मुझे तालिबान खान कहते थे, फिर ये कहते शैकल तोड़ दिए, फिर जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान की सिचुएशन को हैंडल किया, आज ना अफगानी आपके साथ है ना अमेरिकन आपके साथ है, चाइनीज वो भी आपसे नाराज है, यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स, इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस हूएवर इज सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग, एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए, और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए, जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप, और दूसरा बात ना करने में से गेन किसने क्या किया है, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया, तो इसमें इस चीज को तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग, और जो भी हो
चाहे मोदी साहब हो, चाहे कोई हो, यहाँ पे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, इस बात से ये जो सबसे बड़ी, मैं इसको खैर ना पॉलिटिक्स कहता हूं, ना इसको हुकूमत कहता हूं, ना अच्छी गवर्नेंस कहता हूं, जब आप अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। डायलॉग विंडो नीड टू बी ओपन ऑल द टाइम रिगार्डलेस, और वहां से चीजें चेंज होती रहती हैं। ये बल्कि आने वाली नस्लों को भी हमें बताना चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों के बिलखसूस इन चीजों से आगे जाना चाहिए। ये नफरतें आप ज्यादा अरसा नहीं चला सकेंगे, उसकी वजह यह है कि अब एक सोशल मीडिया का दौर है। अभी हमने कोविड का जो इम्पैक्ट था वो भी अभी कवर करना है, अभी इकॉनमी को कवर करना है, और इन हालात में अगर आप ये करेंगे कि आप एक दूसरों के खिलाफ, और मैं बिल्कुल, मैं जिस तरह पे पहले कहता तो इस वक्त दोबारा जो खान साहब ने किया है कि तीन चार जो कार्ड उन्होंने खेले बिल्कुल खतरनाक थे। रिलीजन कार्ड था, अमर बिल मारूफ खेल रहे हैं, गुलामी का कार्ड खेल रहे हैं, आजादी का कार्ड खेल रहे हैं, और एंटी अमेरिका कार्ड खेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट कर भी दिया है उसने और मजीद करेगा। ये बिल्कुल नुकसानदेह है, इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे इनको या तो समझाया जाए या शरीफ बरादरन जो है इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लें, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि भारत के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अंदर ये है, क्योंकि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट इस एक्सट्रीम पर लेके जा चुके हैं कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जब आप ये कहें कि आए अमर बिल मारूफ के जलसों में आए और उसके बाद साथ ही आप कहें कि हम भारत के साथ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नन ऑफ द पार्टी हैज द पॉलिटिकल कैपिटल। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तान में, मतलब पिछले 3 साल में अगर पाकिस्तान में कोई सेंसिबल बंदर रहा है तो वो कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी के चीफ। आपको बता दूं ये बोला है मेजर कौरव वाले ने, और ये भी बोला है कि एक दुश्मन कंट्री के होने के फोन, मतलब दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात भी सही है। अभी मैंने मतलब कमर जावेद बाजवा पर एक वीडियो बनाया था, हो गए होंगे 15 दिन पहले वो उनका क्लिप आया था लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में। वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली कश्मीर हार चुका है, भारत के साथ आप बात करना शुरू करें और वहीं पर ये डिटेल डिस्कस करें कश्मीर को लेकर। मतलब पाकिस्तान की आर्मी भी अब समझ रही है पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, इकोनॉमिकली आप बहुत वीक हो तो आप किस तरीके से लड़ोगे, और भारत के साथ आपको भी पता है पाकिस्तान और भारत की अगर वॉर होती है, न्यूक्लियर वॉर को हटा दें तो कितनी देर टिकेगा पाकिस्तान, ये भी आपको पता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। तो वहाँ पर बात आकर आपको भी पता है कि सिचुएशन क्या बनती है जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम होता है, तो वॉर जैसी सिचुएशन वहाँ पर आपको भी पता है कि दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो भारत के साथ जो व्यापार बंद किया है उसको भी शुरू करने के लिए कमर जावेद बाजवा ने कई बार बोला, ऐसा मेजर गौरव वाले ने इस वीडियो में बोला, जो कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। आपको भी पता है पाकिस्तान गेहूं ले रहा है रूस से, तो रूस से वो गेहूं मान लो आप सस्ते दाम में ले भी लोगे, लेकिन वहां से लाने के जो चार्जेस लगेंगे, जो बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जो कि भारत की अपेक्षा वो गेहूं क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से वो गेहूं बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसा कृषि प्रधान देश, पाकिस्तान कृषि प्रधान देश है, आपको भी पता है गेहूं नहीं उनके पास। तो मुल्क की हालात आप समझ सकते हो किस तरीके से इनकी हालत है और क्या इनकी सिचुएशन है। दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। अगर